अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अहमद हमीम, आई एम फ्रॉम कश्मीर, कैन आई बाय समथिंग फ्रॉम समवन नोइंग दैट द थिंग ही इज सेलिंग टू मी इज फ्रॉम थेफ्ट और बाइंग समथिंग फ्रॉम अ थीफ। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने बताया सवाल किया कि मैं किसी से चोरी का माल खरीद सकता हूं या नहीं, ये जानने के बावजूद भी कि वो चोरी का है। चोरी का माल खरीदना या बेचना इस्लाम में जायज नहीं है, हराम। इस्लाम में बिजनेस हलाल होने के लिए, कारोबार हलाल होने के लिए, खरीदो फरोख हलाल होने के लिए 6 शर्तें हैं, 6 कंडीशंस है। नंबर 1, दोनों की रजामंदी से होना चाहिए। बेचने वाला और खरीदने वाला, इन दोनों की उसमें रजामंदी होनी चाहिए, दोनों उसमें राजी होना चाहिए। नंबर 2, जो चीज खरीद जा रही है, जो चीज बेची जा रही है, वो हलाल होनी चाहिए। नंबर 3, इस्तेतात होनी चाहिए, उस चीज को बेचने की, उस चीज को खरीदने की इस्तेतात होनी चाहिए। नंबर 4, बेचने वाला या तो खुद मालिक होना चाहिए या फिर मालिक की तरफ से होना चाहिए। नंबर 5, जो चीज आप बेच रहे हैं उसका आपके पास कब्जा होना चाहिए, आपके पास उसका अधिकार होना चाहिए। नंबर 6, जो चीज बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं वो वाजे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। तो इसी बुनियाद पर चोरी का माल खरीदना या बेचना हराम है, जायज नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों की रजामंदी नहीं है। जिसका माल था उसकी उसमें रजा नहीं है, क्योंकि वो तो चोरी हो चुका उसके पास। और दूसरी बात, या तो वो मालिक की तरफ से हो या खुद मालिक हो बेचने वाला, खुद मालिक हो या मालिक की तरफ से हो। चोरी में ऐसा नहीं होता, बेचने वाला ना खुद मालिक होता है ना मालिक की तरफ से होता है। तो ये हलाल नहीं है, हराम है, जायज नहीं है, इस्लाम में इसके बिल्कुल भी इजाजत नहीं। अगर आप जानते हैं कि जो शख्स है वो चोरी का माल बेच रहा है या खुद चोर है, तो आप उससे वो माल नहीं खरीद सकते, हराम है, जायज नहीं है, चोरी का माल खरीदना जायज नहीं। सवाल पूछने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सवाल आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9561942454। आप अपना सवाल मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं talabbek988@gmail.com। आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।